मान्यवर, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूं सरकार को कि अवैध खनन के संबंध में जो अभियान चलाया जा रहा है वो अच्छा अपनी है। जगहों पे बैठिए, एक एक करके उठिए, माननीय मंत्री से उनके चैंबर में मिलिए। लेकिन इस अवैध खनन के नाम पर बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को साथ लिए पुलिस अधिकारी ही ये फैसला कर ले कि ये अवैध खनन है या अवैध खनन नहीं है। जो जाति की जा रही है इस अभियान के नाम पर, माननीय बूंदी का मैं एक आपको उदाहरण दूं, ये कह दिया पुलिस अधीक्षक की ओर से कि 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत हमने फला फला स्थान पर अवैध खनन करते हुए इतने ट्रैक्टर, इतने डोजर, इतने अलग चीज, ये सब उसको पकड़ा, प्रेस नोट निकाल दिया। फिर उसी पुलिस अधीक्षक के यहाँ उसी दिन जब ये पता लगा कि वो सारे जो सामान थे वो कोई एक जगह पर खड़े हुए थे, कोई अवैध खनन नहीं कर रहे थे, एक स्थान पर खड़े हुए पुलिस अधिकारी वहाँ का SHO गया और उनको पकड़ करके और ले आया, जहाँ तक भी ठीक है। जब उनको ये पता लगा कि ये तो अवैध खनन के संबंध में है ही नहीं, ये तो काम ही नहीं कर रहे थे, जब जनप्रतिनिधियों और वहाँ के नागरिकों ने हल्ला किया और वहाँ जाकर के कहा, तो मान्यवर दूसरा प्रेस नोट उसी पुलिस अधीक्षक के यहाँ से बूंदी से निकल गया और उन्होंने ये कहा कि ये जो सामान हमने जब्त किए हैं ये सामान तो लावारिस थे, लावारिस अवस्था में खड़े हुए थे, अवैध खनन के नाम से जब्त कर रहे हैं, अवैध खनन के अभियान के नाम से जब्त कर रहे हैं। और उनको जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको वहाँ खड़े हुए को अपनी गलती को छुपाने के लिए वो उनको पुलिस एक्ट के तहत लावारिस मानकर जब्त करके उस कार्रवाई को कर रहे हैं, ये अत्याचार किया जा रहा है। यही नहीं, अगर पुलिस अधिकारी को कोई काम करना है, अगर पुलिस अधिकारी को कोई बात करना है और जाना है अवैध खनन का फैसला, तो करेगा माइनिंग डिपार्टमेंट का, ये स्थान लीज पे है, लीज पे है अथवा लीज पे नहीं है, यहाँ अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन नहीं हो रहा है, पुलिस खुद इस बात का फैसला करके ऐसा आतंक पैदा कर रखा है जगह जगह पे। इसी प्रकार डाबी में एक आदमी की लीज शुदा, लीज एग्रीमेंट शुदा, वहाँ पर जो उसकी जो मशीन खड़ी हुई थी उसको ऐसी जाकर के इस आधार पर पकड़ लाया कि ये लीज शुदा है, जगह लीज शुदा है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण का कोई लाइसेंस नहीं है, जबकि वो मशीन वहाँ काम नहीं कर रही थी। लीज शुदा जगह पर कोई अपनी मशीनें रखता है और उनको पकड़ करके ले जाए, पुलिस पकड़ कर को ले जाए, माइनिंग डिपार्टमेंट पकड़ करके ले जाए, तो मेरा निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, गृह मंत्री करें, माइनिंग डिपार्टमेंट करें और कोई करे। एक छोटी सी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, अभियान आप कीजिए, अभियान से कितनी परेशानी किस जगह पे है उसका मॉनिटरिंग भी आप करें। अनेक लोगों को परेशानी पैदा हो गई है जो वाजिब काम कर रहे हैं उन पे भी हो गया है। अब अभी आपके यहाँ जो माइनिंग इंजीनियर जाएगा वो जाकर के आपको बताएगा इतने क्यूबिक फीट इतना पत्थर निकाल लिया, इतनी खान खोद ली, अभी वो अधिकारी नहीं बदले हैं। जब 5 साल वो वहाँ थे उनके एरिया में वो रिपोर्ट दे रहे हैं, तो 5 साल जिन अधिकारियों ने इस बात की रिपोर्ट आपको नहीं की और अब वो ये कह रहे हैं कि फला आदमी ने इतना इलीगल माइन किया है, इतना उस पर रॉयल्टी बनेगी, इतनी पेनल्टी लगेगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो अधिकारी वहाँ पर सोए हुए क्यों थे? उनके एरिया में ये काम हो रहा है, सारे के सारे क्रेशर बंद हो गए। माननीय सदस्य, जो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने ये लावारिस मानकर जो जब्त किए हैं उनको तत्काल छोड़ा जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कायम किए गए धन्यवाद सख्त कार्रवाई की जाए और माइनिंग डिपार्टमेंट के बिना पुलिस अधिकारी जाकर किसी भी सामान को जब्त नहीं करे, जब तक कि वहां पर कानूनन रूप से जब तक वो काम करते हो नहीं पकड़े जाए, किसी भी बड़े वाहन को पकड़ने का कोई नहीं है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है गृह मंत्री जी से भी है, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी है।